शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किसी ने मेरा शो स्टॉपर आउटफिट खराब कर दिया। ये सब इसने किया है, ये इसकी गंदी चाल है। बस मेन सर, हम सबूत लाएंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि हम बेगुनाह हैं। ये कितने बजे का फुटेज गायब है इसमें से, हमें ये बताइए। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे के बीच की। उसी वक्त का फुटेज हमारे रूम का दिखाइए। हम एक ही वक्त पर दो जगह एक साथ कैसे हो सकते हैं? कल के लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। अब गहना चाहे कुछ भी कर ले, ना वो ये कॉम्पिटिशन जीतेगी और ना मेरे गौरव को। बटन थैंक यू गौरव। थैंक यू किस लिए? बस थैंक यू। पता नहीं तुम क्या कर रही हो गहना, और किसके लिए कर रही हो। पता नहीं तुम अपने दिल की कब सुनोगी, कब अपने दिल की मानोगी। क्या हुआ? आज शाम को जो हुआ उससे ये समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती थी, किस बात को लेकर तुम परेशान थी। हम भी उस बात को लेकर परेशान हो गए हैं। आखिर कल प्रतियोगिता में क्या होगा? जो भी हो, भगवान करे सब ठीक ही हो, क्योंकि और ये सब हम झेल नहीं पाएंगे घर में। लेकिन ये बात मन से हटने को तैयार ही नहीं है कि आखिर उर्वशी के कपड़ों से छेड़छाड़ की तो किसने की। कौन है जो उर्वशी और गहना के बीच झगड़ा कराना चाहता है? चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को यह ध्यान देना होगा कि उर्वशी और गहना के बीच झगड़ा ना हो। लेकिन आखिर ये किया तो किया किसने? कहीं उर्वशी तो नहीं? नहीं, उर्वशी अपने कपड़ों के साथ ऐसा क्यों करेगी? जो भी है वो घर का ही सदस्य है, क्योंकि घर वालों को ही पता है कि कैमरे कहाँ हैं और कैमरा का फुटेज कहाँ मिलेगा। थैंक यू श्रो, तुमने आज ना आखिरी पल में हमें बचा लिया। लेकिन अगर आज तुमने हमें नहीं बचाया होता ना, तो वो उर्वशी हमें मार ही डालती। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सही, अगर उर्वशी को तुमने उसकी औकात दिखाई थी और जिस तरीके से सब गहना को सपोर्ट किया है ना, मजा ही आ गया। मजा तो अब आएगा, तुम देखते जाओ बस। कल के फैशन शो में बहुत बड़ा धमाका होगा, क्योंकि हमने गहना के खिलाफ उर्वशी के इतने कान भरे हैं कि वो जल भुन के लाल हुई बैठी है। अब जरूर वो कल कुछ ऐसा धमाका करेगी कि मजा ही आ जाएगा। सारे ही कपड़े हमने पैक कर लिए हैं। ओके, सारे बॉक्सेस पर लेबल्स भी लग चुके हैं। ये जो बॉक्स है इसे अभी के अभी जाकर गाड़ी में रख दो, वरना हमें पता है सुबह जल्दबाजी में कुछ ना कुछ तो जरूर छूट जाएगा। हे भगवान जी, एक छोटे से गांव के एक छोटे से कमरे में जब हम बैठकर अपनी गुड़िया के कपड़े सिलते थे ना, और वो गौरव के रुमाल में जब हम डिजाइन्स बनाते थे, हमने कभी नहीं सोचा था महादेव जी कि आपकी मामूली सी गहना को इतना बड़ा मौका मिलेगा। पटना के टॉप डिजाइनर्स के साथ अपनी डिजाइन्स दिखाने का मौका, हमारे लिए तो हमारी यही सबसे बड़ी जीत है। हमने कभी नहीं सोचा था महादेव, लेकिन उर्वशी मैम साहब, उन्होंने हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? भगवान जी आप ही बताइए, हम उनके साथ ऐसा क्यों करेंगे? खैर, हमारे लिए कल इतना बड़ा दिन है, हम कल पहला कदम रखने जा रहे हैं अपने सपनों की ओर। माता रानी आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। इतना बड़ा काम कल हम करने जा रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डर भी रहे हैं। हमें शक्ति देना माँ। अरे बेटा,
खुश रहो। कहना बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक सफल डिजाइनर में होना चाहिए। हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारी बेटी हो। चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और देखना, तुम्हारी सफलता में सबसे ज्यादा जोर से ताली बजाने वाले हम ही होंगे। तो जाओ बेटा, जमकर तैयारी करो और आसमान की बुलंदियों को छू लो। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। हे माता रानी जी, हमारी दोनों बेटियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जिसका काम सबसे अच्छा हो, उसे विजयी बनाइए। कॉफी भी के आते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो इतनी सारी तैयारियाँ बाकी है और ये सब फिर कैसे होगा? ए, एक मिनट, क्या कैसे होगा? सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी। और वैसे भी अभी शो को 2 घंटे हैं। अपनी शक्ल देखो, कितनी थकान लग रही है शक्ल पे। कॉफी पियेंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे। कम ऑन, चलो चलो चलो, कॉफी पियेंगे गर्मा गर्म। तैयारी आप समझ हो गया सब कुछ। गहना, थैंक यू कर। इसे कहते हैं बिना आम के फलों की दुकान। शो स्टॉपर का आउटफिट जब होगा ही नहीं, तो देखते हैं गहना कि तुम शो करोगी कैसे। अरे वाह, ये हार तो बहुत अच्छा लगता है तुम पर। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, ये हार भी तो खास है। आपको याद है कि आपने कब दिया था? हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन कीमत तुम्हारी है। सचमुच ये हार तुम पर बहुत सजता है। नहीं, इस हार से हम सजते हैं। आज भी याद है, आपने हमें ये तब गिफ्ट किया था जब उर्वशी पैदा हुई थी, और आपने सोनार को एक्स्ट्रा पैसा भी दिए थे ताकि वो इसकी कॉपी ना बना सके। इसलिए ये इकलौता हार है और मैं दुनिया की इकलौती औरत हूँ जिसके पास ये हार है। आज उर्वशी के लिए बहुत बड़ा दिन है, ये हार तो पहनना बनता है ना।
हाँ हाँ ट्रायल के लिए शो स्टॉपर्स और डिजाइनर यानी उर्वशी जी और गहना जी प्लीज स्टेज पर आइए। अगली परफॉर्मेंस है शो स्टॉपर्स और डिजाइनर्स की। हमारा शो स्टॉपर का ड्रेस कहाँ चला गया? शायद मास्टर जी लेके होंगे। मास्टर जी वो हमारी शो स्टॉपर की ड्रेस देखिए हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप यहाँ ले आए हैं कुछ करने? उसने हमें क्या मालूम, हम तो सब ड्रेस अनपैक करके ट्रॉली पर लगा दिए थे। हमारा आउटफिट कहाँ चला गया? आज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? मेरा काम बिगाड़ने आई थी यहाँ पे तुम? मेम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस चुप रहो, जाके अपने एरिया में काम करो और मेरा एरिया खाली करो, जाके कंपटीशन की तैयारी करो, जाओ। क्या हुआ गैना, परेशान लग रही हो? हमारा वो शो स्टॉपर आउटफिट, वो ड्रेस हमें कहीं नहीं मिल रहा है। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। गायब हो गया? कहीं इन दोनों ही तो गैना के शो स्टॉपर आउटफिट के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? तो एक बार फाइनल रिहर्सल होगी। वंश जी हम अब क्या करेंगे? कहना जी एक मिनट, आपने कहा था ना कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया और आपने दो ड्रेस बनाई थी शो स्टॉपर की, एक नहीं मिल रहा है, दूसरा कहाँ है? हाँ वो है, हमारे पास ही है, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है, वो फाइनल टचअप बाकी है उसमें। गहना जी अभी शो स्टार्ट होने में 2 घंटे हैं, यहाँ 1 मिनट में दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है, मुझे पता है आप कर लेंगे। अरे लेकिन इतने वक्त में कैसे वो? आप ट्राई तो कीजिए, हो जाएगा। We'll be right back.
लाइन में लग जाते हैं। अगला नंबर हम लोगों का ही है। कहना कैसा लग रहा है तुम्हें अपने बचपन के पति को मेरे पति के रूप में देखकर? और आखिरकार तुम पीछे हटी गई, यू नो व्हाई? क्योंकि बेसिकली तुम एक लालची और पैसों की भूखी औरत हो। जो तुम्हारे वंश जी हैं उनसे सब कुछ तो मिल रहा है तुम्हें, तो अब तुम मेरे पति से, मेरे गौरव से दूर रहो, समझी तुम? सिर्फ दो मिनट लगेंगे मुझे ये साबित करने के लिए कि तुम्हारी ये शादी झूठी है। और ये जो तुम्हारा सपना है ये कॉम्पिटिशन जीतने का, भूल जाओ। कपड़े देखे तुमने, इतने गंदे, इतने घटिया, इतने टैकी कपड़े। बोलने से पहले सोच लीजिए मेम साहब, शादी जुड़ी होती है संस्कृति से, रीति रिवाजों से, शादी जुड़ी होती है सुहाग के रंगों से, सुहाग की निशानियों से। कभी कभी हमें ना आप पर बहुत दया आती है मेम साहब। खैर, आपको क्या ही समझाए हम ये रीति रिवाज, सुहाग का रंग। और रही बात गौरव की, तो गौरव बचपन से ही हमारे पति हैं। और हमेशा रहेंगे। और ये हमारी अच्छाई है कि आज भी गौरव आपके साथ है। हो गया तुम्हारा? बहुत लंबे लेक्चर्स देती हूँ यार। ये जो तुम्हारी अच्छाई है ना गहना, उसे एक थाली में रखो, उसे सजाओ और रैंप पे वॉक करो। और मेरी बात ध्यान से सुनो गौरव, और ये कॉम्पिटिशन दोनों ही नहीं जीतोगे तुम। ये तो वक्त ही बताएगा, देख लेंगे। गहना जी एंड उर्वशी जी के मॉडल प्लीज आ जाइए, नेक्स्ट रिहर्सल आप लोगों की है, प्लीज कम। इसमें एक बटन तो है ही नहीं। ना परेशान मत होइए, ये ट्रायल राउंड है और वैसे भी आउटफिट की जरूरत नहीं है। अब एक काम कीजिए, आप ये आउटफिट रेडी कीजिए, मैं मॉडल शू जाके रेडी करता हूँ। ओके। जब एकदम से नए डिजाइनर को मौका देते हैं तो यही होता है, फैशन शो भी फ्लॉप जाएगा इसकी वजह से। ये तुम कहाँ फंस गई हो गहना? और ये सब क्या है?
ऐसा आउटफिट कोई बनाता है क्या? इतने पुराने जमाने का मॉडर्न जमाना है, कुछ मॉडर्न तो बना लेती कम से कम। मतलब ऐसा लग रहा है कि पिछड़े हुए गांव के लोगों को थोड़ा सा कपड़ा जो बचा हुआ मिल जाता है ना, वो ऐसे ठीक ठाक करके प्रेजेंट कर रहे हैं बस। ऑल द बेस्ट। हम जग हसाई से बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम डट कर मुकाबला करेंगे। हाँ बात है, जैसे संसार की लड़ाई के लिए आपने विष का प्याला पिया था, बिल्कुल वैसे ही हम भी लोगों की कड़वी बातों का विष का प्याला पिएंगे हम, और ये साबित करेंगे कि हम कभी हारेंगे नहीं, हम जीत कर बताएंगे। हर हर महादेव। कॉम्पिटिशन, और वो भी उर्वशी चुनती से। अब जब तुम ही नहीं बचोगी तो फिर ये कॉम्पिटिशन कैसे जीतोगी गहना? डिजाइनर गहना, प्लीज स्टेज पर आइए, इट्स हाई टाइम, हम लोग और इंतजार नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें आपको इस प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई करना होगा। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो? चाहे कुछ भी हो जाए गौरव, गहना तक तुम कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।